मुख्यालय में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महेंद्रगढ़ कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरे साथी की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि विनायक राव पाठक महेंद्रगढ़ कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई कि वृद्ध आश्रम का नकदी अलमारी से गायब है और उसका ताला टूटा हुआ है। इस मामले की पड़ताल करते हुए पुलिस ने संदेह के आधार पर पप्पू उर्फ डाकू को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने चोरी की बात स्वीकार की है। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी के 50,000 रुपये बरामद किए। अब पुलिस से आरोपी के दूसरे साथी की तलाश में जुटी है। ₹79,000 चोरी की रिपोर्ट आई थी। घटना जब देखा गया, टीम बनाई गई, फुटेज खंगाला गया, तो दो व्यक्ति उस पर दिख रहे थे जो अंदर घुसे हैं और बाहर निकल के फिर पैसा लॉकर तोड़ के पैसा ले गए। इस पे कोतवाली की 2-3 टीम बना के लगातार फुटेज खंगाला गया और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। पप्पू जो इससे पहले भी चोरी के उस पर रह चुका है, उससे जब टीम बना के उसके घर पर रेड किया गया, पकड़ा गया, पूछताछ की गई, तो उसने स्वीकार किया कि वो और उसका दोस्त